हेलो, वेलकम टू विप्रा माइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अनदर वर्ड प्रॉब्लम फ्रॉम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर ऑफ क्लास 10th। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। नाउ वी आर पार्टनर चैनल ऑफ अन अकेडमी। अन अकेडमी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म इन इंडिया। अगर आप अकेडमी के अलावा और भी कुछ सीखना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू अपग्रेड योर स्किल्स लाइक पोइट्री, आर्ट, कोडिंग, रोबोटिक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, Vedic mathematics and many more. So join the 5-star project organized by Unacademy's creative team on coming Sunday, that is on 22nd November 2020 at 10 a.m. The registration is free. So registration ka jo link hai, main aapko description mein de dunga. So just go and register yourself and upgrade yourself. Thank you. Here the question is, the taxi charges in a city comprise of fixed charge together with the charge for the distance covered. For a journey of 10 km, the charge paid is rupees 75, and for a journey of 15 km, the charge paid is rupees 110. What will a person have to pay for traveling 25 km? Okay, so यहाँ पर जो taxi का charges है, वो दो type का charge है उसमें. One is fixed charge and charge for per kilometer. आप जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे उतना उस पर चार्जेस लगेगा पर किलोमीटर के हिसाब से. तो एक तो फिक्स चार्ज है एंड द चार्ज फॉर पर किलोमीटर. तो यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज़ एक्स एंड द चार्ज for per kilometer distance covered, for per kilometer be rupees y. Okay, now यहाँ पर हमको दो condition दिया है. First is, for journey of 10 kilometer the charge paid is rupees 75. So therefore, as per the first condition, सो 10 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया तो उसमें फर्स्ट फिक्स चार्ज होगा, दैट इज एक्स रुपीस, प्लस पर किलोमीटर के हिसाब से जो चार्ज लगेगा दैट इज हाउ मच वाई. सो 10 किलोमीटर उसने ट्रैवल किया तो 10 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज लगेगा, 10 वाई. सो वाई इज द चार्ज फॉर पर किलोमीटर, और उसने 10 किलोमीटर ट्रैवल किया तो 10 into y, दैट इज 10 वाई. सो द टोटल चार्ज ही पेड इज 75. Understood? Okay, so this is equation 1. Now, as per the second condition, for a journey of 15 kilometer, the charge paid is 110. So, as per the second condition, again, the charges comprises of fixed charge. So, fixed charge to lagega, that is x, plus चार्ज फॉर पर किलोमीटर. सो यहाँ पर डिस्टेंस उसने जो ट्रैवल किया दैट इज 15. सो 15 इंटू वाई, सो दैट विल बी नथिंग बट द टोटल चार्ज फॉर ट्रैवलिंग 15 किलोमीटर, फिक्स चार्ज प्लस चार्ज फॉर 15 किलोमीटर जो है दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 110. दिस इज इक्वेशन 2. ओके, सो नाउ वी कैन सॉल्व दिस 2 इक्वेशंस. सो यहाँ पर सबसे ईजिएस्ट मेथड जो हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं दैट इज़ एलिमिनेशन मेथड. ओके, अगर आपको एग्ज़ाम में स्पेसिफिकली दिया होगा जो मेथड, तो वो आपको फॉलो करना होगा. जैसे कि आपको दिया है कि दैट यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड और बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. अगर वहाँ पर मेंशन किया गया है तो आपको वही मेथड फॉलो करना है. अगर कोई मेथड मेंशन नहीं किया है तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं जो आपको कन्वीनियंट लगता है. ओके, सो यहाँ पर हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करें क्योंकि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट दोनों केस में सेम है. अब साइन भी सेम है तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. 1 को हम 2 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं. ओके, सो क्या हो जाएगा, सो x प्लस 15y इक्वल्स टू 110 एंड x प्लस 10y इक्वल्स टू 75.
ओके सो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन जो यहाँ पर है हम लिख रहे हैं वो उसका सारे साइन क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। सो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस यहाँ पर भी। सो ओके सो प्लस एक्स माइनस एक्स विल गेट कैंसिल। नाउ 15y माइनस 10y दैट इज 5y इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 35। नाउ y इज इक्वल्स टू 35/5 दैट इज दैट इन सेवन। सो y इज सेवन। ओके सो नाउ ओके सो विल फाइंड आउट दी वैल्यू फॉर x। सो वी हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन एनी ऑफ द इक्वेशन। सो सपोज इक्वेशन वन में हम सब्सटीट्यूट करते हैं, दैट इज इक्वेशन वन। सो इसमें अगर हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 10, y इज 7 इक्वल्स टू 75। सो x प्लस 70 इक्वल्स टू 75। सो x इज 75 माइनस 70, सो x इज 5। ओके सो x इज नथिंग बट द फिक्स चार्ज। तो फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपीज़, एंड द चार्ज फॉर पर किलोमीटर इज 7 रुपीज़। कितना है 7 रुपीज़। ओके नाउ हमको पूछा है व्हाट विल अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर। सो अगर वो 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसको कितना अमाउंट देना होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। ओके सो नाउ अब 25 किलोमीटर अगर वो ट्रैवल करता है तो उसके जो चार्जेस होंगे उसमें एक तो होगा फिक्स चार्ज दैट इज एक्स प्लस चार्ज फॉर पर किलोमीटर। तो कितना ट्रैवल कर रहा है 25। सो 25 इंटू y दैट इज द चार्ज फॉर पर किलोमीटर। नाउ दिस इज नथिंग बट 5 प्लस 25 इंटू 7। सो दिस 5 प्लस अब ये कितना हो जाए 35, 3 कैरी 175 एंड दैट इज नथिंग बट 180। कितना हो गया 180। सो देयरफॉर ही हैज़ टू पे हाउ मच रुपीज़ 180 फॉर ट्रैवलिंग 25 किलोमीटर। होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। सो और भी हम बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स के सेशन कंडक्ट करेंगे, लाइक यहाँ पर ऐसे टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, लाइक लाइब्रेरी के ऊपर बेस्ड होता है, लाइक पर डे का जो बुक्स का चार्जेस होता है वो हो गया, या हॉस्टल का जो चार्ज होता है। तो ऐसे टाइप के ऐसे सेम जो पैटर्न है इसे फॉलो करना है उसमें भी, उसके भी हम क्वेश्चन जो है वो कमिंग सेशन में डिस्कस करेंगे। So we'll meet in the next session. Till then, take care. Bye-bye.